हमारी बाबूजी के मरले रहबा तमहु दाते काटब। अब समय के इंतजार है। तू दाते कटबा तू का कटी है फिर अब... वो कहीं हमहु काटब। अरे तले तो दूध गोजी पी के सही हो जे के इधर रही मर दे। यहीं कस्बे में 100 मीटर के एरिया में एक सोना टोली वहां पे लोग पड़ाके फोड़ रहे हैं माफिया के घर पे और उसके गम में कोई पड़ाके फोड़ सकता है? हिम्मत है लेकिन देखिए दिलियादरी है। आज आप कर रहे हैं कल कोई और करेगा। डर तो उनको भी सता रहा होगा। अब समय का इंतजार है। क्या लगता है कब वो समय आएगा? दिन तो घोड़ा का बदल जला हमारे काहे ना बदली। जेल में डाल करके स्लो पॉइजन दिया जाए कोर्ट में उसको मार दिया जाए ये कहाँ का न्याय है? कह तो रहे हैं कि वो लोग ऑपरेट नहीं करते हैं पत्नी फरार है उनकी अब सांसारी की बात करते हैं वो लोग आपराधिक मुकदमा। अभी इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। इसके बारे में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता बिगड़ जाएगी बदल जाएगी तो वो गुफा नहीं बचेगी वो जगह नहीं बचेगी। अखिलेश यादव यहाँ पर नहीं आए चले गए क्या कहेंगे आप? तो क्या हो जाएगा? मेडिकल रिपोर्ट तो सामने आ गया उसमें रख दिया गया जांच तो बैठी हुई है। रिपोर्ट तो आपका भी सामने आ जाएगा। ऐसी ऐसी दवाएं हैं अभी आपको दे दिया जाए तो आपका भी हार्ट अटैक आएगा दूसरा कुछ नहीं आएगा। वो कह रहे हैं आप लोग ऐसे इस तरीके से अफवाह मचा दी अंदर कैदी खाना नहीं खा रहे टमाटर रोटी खा रहे थमक लगा लगा के। अब कुछ भी जो देंगे कैदी तो ही खाएंगे। अरे मुख्तार अंसारी मसीहा से चले गए तो फिर अब्बास अंसारी जिंदाबाद है अभी उनका बेटा अभी मसीहा बन के तैयार है। माफिया नहीं मसीहा का बदला अब्बास लेके नहीं अब्बास बदला ले ना ले मगर मसीहा बन के रहेगा हम लोगों के दिल में। रिजल्ट कब आएगा? जब 20-22 साल बाद ये खोदा जाएगा और इनका जब टेस्ट कराया जाएगा अपने सत्ता परिवर्तन में तब जांच रिपोर्ट में देखा जाएगा कि क्या था। अभी तो अभी नहीं नहीं भरोसा है। जब मन से बतिया दे तो हो सकता काल पे सवा देबा हम के यो डर बा मगर ऊपर साज चली जब हमर मसीहा ना तो हम क्या कर। अभी कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव यहाँ से गए हैं और एक सवाल काफी जोर शोर से तैरने लगा। अभी सर है हमारे साथ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर? राम वृक्ष यादव हमारा नाम है। मैं संत कबीर नगर से आया हूँ। मैं समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता हूँ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। अभी अखिलेश यादव का काफिला जब यहाँ से निकलने लगा तो उनको जो लोग तमाम हालांकि प्रशासन तो रोक रखा था लेकिन फिर भी तमाम लोग इकट्ठा हो गए थे और तमाम लोग ये टुकटुकी लगाकर इंतजार कर रहे थे कि अखिलेश यादव जाएंगे कब्रगाह पर उस कब्रगाह पर मुख्तार अंसारी के कब्रगाह के पास जाएंगे। लेकिन जब अखिलेश यादव यहां से सीधे चले गए तो ये सवाल तैरने लगा कि आखिर क्या कारण है कि अखिलेश यादव यहां पर नहीं आए। जी देखिए उनके परिवार में जाकर के उनको दुख को बांटने का काम किए हैं और उनके फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। निश्चित तौर पर यहाँ उनको आना था जो भी जैसा कार्यक्रम प्रशासन ने बनाया था उसी हिसाब से वो किए हैं। यहाँ हम लोग सुबह से पड़े खड़े हैं। प्रशासन तो कह रहा है कि हम कोई रोक टोक नहीं किए। सुबह से खड़े हैं। जब हम लोगों को नहीं आने दिया गया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके ऊपर उनके पीछे लाखों लोग लगे हुए हैं देख रहे हैं आप। सुबह से यहाँ से जनता का सैलाब लगा हुआ है। जो कुछ भी कारण हो सकता है उनको आने नहीं दिया गया या वो व्यवस्था न बिगड़े इसकी वजह से क्षेत्र में ये चर्चा है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक को देखते हुए अखिलेश यादव यहाँ से निकल गए और यहाँ पर आके पुष्प। देखिए समाजवादी पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी समरसता की राजनीति करती है सेकुलर राजनीति करती है सबको लेकर चलना चाहती है। पिछड़े दलित गरीब सबन में जो गरीब हैं वो लोग तो कहते हैं कि ये लोग समाजवाद नमाजवाद की राजनीति करते हैं लेकिन ये दिखा नहीं रहे हैं और इसी रास्ते से यहाँ से अखिलेश यादव होकर निकल गए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं वो उनको पहले अपने चेहरे को देखना चाहिए। हम लोग अंदर से और बाहर से सेकुलर हैं और सबको ये चाहते हैं हिंदुस्तान में कहीं भी बगल में अगर मंदिर है उसमें भी समय से घंटा बाजे और बगल में हम अगर मस्जिद है उसमें भी समय से अजान हो सबको बराबर की मान्यता दी जाए सबको सम्मान दिया जाए। माना जाए कि यहाँ पर ना आना कोई एक अखिलेश यादव की एक रणनीति रही और जिस तरीके से यहाँ पर नहीं आए तमाम लोगों के मन में यह आक्रोश था। अभी मैं बाहर बातचीत कर रहा था तमाम आप ही के पार्टी के लोग कह रहे थे सवाल खड़ा कर रहे थे कि वो नहीं आए क्या कारण था इस चीज़ की चर्चा काफ़ी तेज है सर। देखिए कारण जो भी हो जी लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जिस चाहेगा उसी तरह से उनको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ लाखों लोगों की भीड़ है हजारों लोगों की भीड़ यहाँ है और कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई पब्लिश इस तरह से व्यवस्था न बिगड़े ताकि कहीं कोई दिक्कत हो। प्रशासन के लोग कह रहे हैं यदि आप यहाँ पर आ सकते हैं आप भी यहाँ पर खड़े हैं अभी उसी कब्रिस्तान में खड़े। अभी सुबह से मैं प्रयास कर रहा था अभी जाकर के सुबह से अब जाकर के करीब 2 बजने जा रहा होगा अब जाकर के मुझे यहाँ आने को मिला है। मुख्तार अंसारी को कैसे देखते हैं आप? देखिए मुख्तार मैं दूसरे जिले का रहने वाला हूँ। यहाँ के लोगों से मैं पूछा हूँ जनता गांव गरीब से लोगों से पूछा हूँ चौराहों पर पूछा हूँ वो यहाँ पूर्वांचल के गरीबों दलितों पिछड़ों अकलितों की एक आवाज़ थी बुलंद आवाज़ थे और गरीबों की लड़ाई लड़ना यदि गुंडई है बदमाशी है अपराधी प्रवृत्ति की लोग जो देते हैं एक उनको सिंबल इस तरह से अगर दिया जाएगा तो गरीब की लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या मुख्तार अंसारी के साथ अन्याय हुआ है? निश्चित तौर पर अन्याय हुआ है। मुख्तार अंसारी नहीं आप देखें पिछले दिनों जेल में हत्याएं हुई
कोर्ट में हत्याएं हुई, कस्टडी में कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या हुई, क्या हो रहा है? लोकतंत्र खतरे में है, इसको बचाने के लिए हम सभी नौजवानों को समाजवादी पार्टी के साथ मुस्तैदी से खड़ा होना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र। ये संविधान खतरे में, इस नाते हम लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में है, यदि 24 का हम लोग चुनाव चूके तो फिर शायद वोट डालने की नौबत आए। ये हमारे सामने मुख्तार अंसारी को आप कह रहे हैं आप उनके साथ अन्याय हुआ, तो उनको न्याय दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए मुख्तार अंसारी के साथ, देखिए मैं नहीं कहता, कोई आदमी अगर अपराधी है, अपराध किया है, उसके लिए एक न्यायपालिका, एक व्यवस्था दी गई है संविधान में हमारे। वो तो कह रहे हैं कि वो लोग तत्काल पकड़ करके किसी को मार दिया जाए, तत्काल जेल में डाल करके स्लो पॉइजन दिया जाए, कोर्ट में उसको मार दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है? कह तो रहे हैं कि वो लोग कॉपरेट नहीं करते हैं, पत्नी फरार है उनकी, अफसान अंसारी की बात करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि पत्नी फरार है, मुकदमा दर्ज है उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा। अभी इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, इसके बारे में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? संजय यादव नाम हमारा। अच्छा, कैसे देखते हैं यदि अखिलेश यादव यहाँ पर आते हैं और इस जगह पर नहीं आते हैं? लोग कह रहे हैं उनका वोट बैंक प्रभावित होगा, क्या मानते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं, वोट बैंक प्रभावित होता तो उनके परिजनों से मिलने नहीं आते, खुलकर उनके पक्ष में बोलते नहीं। जिस किसी के भी साथ अन्याय होती है, समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव हमारे नेता हैं, उनके साथ वो खड़े होते हैं। या हो सकता है उनका प्रोटोकॉल है, नए प्रशासन ने अनुमति यहाँ आने की दी हो, केवल घर पर आने की अनुमति दी हो, इस तरह उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वो उनके घर पर गए, उन लोगों से मिले, परिजनों से मिल करके दुख को बांटा और यहाँ नहीं आ पाए होंगे, नहीं आए इसलिए। कहाँ से आए हैं सर आप? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर जनपद। क्या लगाव था कि मुख्तार अंसारी की चाहत आपको यहाँ तक खींच ले आई? लोग तो कह रहे हैं वो माफिया है और तमाम माफिया, जैसे गरीबों की मदद में जहाँ हम लोग आए यहाँ तमाम लोग चर्चा करें, तमाम गरीबों बेसहारों की वो मदद करते थे। इसके पूर्व में जिस दिन का यहाँ जनाजा नमाज था तो उस दिन तमाम भीड़ हुई, इकट्ठा हुई, लोगों का लगाव नहीं होता, लोगों की मदद नहीं करते तो इस तरह से नहीं आते। और हम लोग इसी क्रम में जिस किसी के भी साथ अन्याय होता है उसके साथ पार्टी खड़ी होती, हमारे नेता आए थे, हम उनको खिराज अकीदत पेश करने आए थे और अपने नेता को ताकत देने आए थे और सबको एक मैसेज देने आए थे। अपने नेता को आप कह रहे हैं ताकत देने आए थे, और समाजवादी पार्टी के एक नेता नाम आजम खान, चर्चा काफ़ी जोर शोर से है कि अब मुख्तार के बाद अब अगला नंबर आजम खान का है, और कह रहे हैं तमाम खौफ का माहौल है, डर का माहौल है, क्या कहेंगे? सरकारी मिशनरी जो है पूरी तरह से सिस्टम को एकदम कैच कर लिया, ये किसी के साथ भी घटना कर सकती है। जब कोर्ट में वकीलों के भेष में आए हुए गुंडे इनकाउंटर कर देते हैं तो किसी का भी कर देंगे, आपका भी कर देंगे, हमारा भी कर देंगे, तो खौफ का माहौल है। खौफ का माहौल नहीं है, सरकार के अंदर खौफ का माहौल है कि अगर सत्ता बिगड़ जाएगी, बदल जाएगी, तो वो गुफा नहीं बचेगी, वो जगह नहीं बचेगी। अखिलेश यादव यहाँ पर नहीं आए, चले गए, क्या कहेंगे आप? तो क्या हो जाएगा? वो तो संवेदना जो सुकाकुल परिवार पूर्वांचल के लोगों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं, जो उनके प्रति काफी लोग इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर आते। नहीं देखिए, असली तो जहाँ पर वहाँ पे उनका मल्यार्पण था वहाँ उन्होंने किया, उन्होंने सुकाकुल परिवार के साथ बातें की, सब कुछ किया। कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं हम, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है। क्यों यहाँ से 35 किलोमीटर दूर से आप चले आए यहाँ पर? अरे भाई साहब, आप जानते नहीं ना, आप कहाँ के हैं आप बताइए। हम तो मीडिया से, हमारा परिचय ठीक नहीं तो बताइए आप। अंबेडकर नगर बहुत दूर आनी है, महाराजगंज से लोग आए थे। देखिए जो करीब से जानता है हमारे विधायक जी को वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। एक लड़का लखनऊ से आएगा, 550 किलोमीटर दूर से आया था, वो अपाहिज था, लेकिन उसका दिल अपाहिज नहीं था, दिमाग अपाहिज नहीं था, वो जवाब दे रहा था। कह रहे हैं कि भीड़ बुलाकर आप तमाम लोग ये कह रहे हैं कि काफी भीड़ आ रही है। पैसे से बुलाई भीड़ नहीं है, ये अपने आप दिल लगी से बुलाई भीड़ है। और विधायक अंसारी सुनिए, क्या कह रहे हैं? गरीबों के मसीहा थे तब न भीड़ है। किसके लिए? वो मसीहा बने हम लोगों के लिए। तमाम आपराधिक मुकदमे, चार सुनिए भाई साहब, 400 जहां गोलियां चलती हैं सबको फिक्र है, 4000 गोलियां उसरी में चलता है तो किसी को फिक्र नहीं है। 3 तारीख को उसकी गवाही थी, उसरी वाले में जितने भी संदिग्ध लोग थे उन सबको सजा होनी थी, इसलिए विधायक जी को टॉर्चर किया गया, जहर दिया गया। राय साहब का परिवार खुशी मना रहा था। देखिए सुनिए, बता रहे हैं यहाँ देखिए, आप कह रहे ना माफिया बाबुल लोकत, इससे बढ़ के उदाहरण क्या है कि यहीं कस्बे में 100 मीटर के एरिए में एक सोना टोली, वहाँ पे लोग पड़ाके फोड़ रहे हैं माफिया के घर पे, और उसके गम में कोई पड़ाके फोड़ सकता है? हिम्मत है, लेकिन देखिए दिलियादरी है, हमारे माफिया नहीं है विधायक जी, जबरदस्ती किसी के थोपने से नहीं हो जाता है। और जो कुलदीप सेंगर का सपोर्ट किया जा रहा है, आशीष कुमार टेनी का सपोर्ट किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार पिटीशन दायर करती है, तो आप मानते हैं कि मुख्तार अंसारी के साथ अन्याय हुआ है? हम नहीं मानते हैं, पूरी दुनिया मरते मरते, सुनिए आपके मीडिया के माध्यम से हम बता रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्लें
हम हिंदू ना ही है ना ही मुसलमान है, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से? मेरा नाम बजरंगी ठाकुर है। बजरंगी ठाकुर, यहाँ पे अखिलेश यादव को देखने आए थे आप? जी आए थे देखने। अखिलेश यादव यहाँ पर नहीं आए, क्या कहेंगे आप? अखिलेश सिंह यादव आए थे, लेकिन आए थे उनके घर पे आके चले गए, यहाँ पर नहीं आए। देखिए सबसे बड़ी बात, सुरक्षा का मसला था, बाकी प्रशासन खुद दूसरे को भगा रही है, और सुरक्षा भी था, और मान जी की आए मीटिंग करके वो अंदर से वो चले गए, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो आए ना, ऐसे तो गए वो एक साल में। और देखिए ये मुक्ता अंसारी जी जो परिवार है, गरीब मजलूमों का नायक है मुक्ता अंसारी के परिवार, जो गरीबों के मसीहा जाने जाते हैं। अभी तो देखेंगे तो जितने गरीब मजलूम है क्या तो रहे, उनके ऊपर परिवार के ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमा दर्ज। चार महीने देखिए लड़के पर मुकदमा, ये सरकार है केंद्र में राज्य में, ये तानाशाही सरकार है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ रही है, ये सरकार बस केस पे केस, केस पे केस, केस पे केस भी उनको साजिश करके इन लोगों को। आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या नाम है सर आपका? जी हमारा नाम शिवम यादव है। अच्छा शिवम यादव जी, कहाँ से आए हुए हैं सर? संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर जनपद से आए हैं। आप भी अखिलेश यादव को देखने आए हुए थे यहाँ पर? हम अखिलेश जी को देखने आए थे और उन लोगों से मिले, हम लोग हाथ परिवार से भी परिवार से संवेदना जाहिर किए। अखिलेश यादव यहाँ पर नहीं आए, तमाम लोग आपके ही पार्टी के तमाम लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव वोट बैंक प्रभावित होता है, इसलिए आए सीधा यहाँ से गाड़ी पे बैठ के चले गए, और तमाम लोग आक्रोश इस बात से कहीं ना कहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपने परिवार में आए थे, परिवार वालों से मिले हैं, मिल के सब वो गए हैं, सब लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है, मतलब आप मीडिया वाले हैं भैया जी, आप लोगों से सबसे बड़ा दुख की बात है कि आन पूरे मीडिया में उन्होंने कहा कि आन ऑडियो में कि हमारे साथ बेटा हमको जहर दिया गया है, लेकिन किसी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं चला दे कि क्यों जहर दिया गया, आखिर ऑडियो में बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? अगर अखिलेश जी की सरकार होती तो यही बोलते हैं कि ऑडियो आम रिकॉर्ड आदमी बोल रहा है कि बेटा हमको जहर दिया गया है। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार होती तो क्या मान रहे हैं कि योगी सरकार में जो है ये जो कुछ भी जहर वाला प्रोसेस हुआ ये योगी सरकार का करा धराया है? एकदम अभी कल मुख्यमंत्री जी अपना इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने खुद कहा है कि बहुत दिन से उनका तमाम मामला चल रहा था, हमने देखा 20 साल तक चला, उसको कोई सज़ा नहीं हुई, ये मामला चला कोई सज़ा नहीं, तो हमको अलग से निर्णित करना पड़ा। एक सवाल आपसे लेंगे, मुख्तार अंसारी के साथ न्याय हुआ या अन्याय? अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है। और तो फिर इस अन्याय हुआ है, न्याय कैसे दिलाएंगे आप लोग? न्याय दिलाने के लिए देखिए न्याय मिलेगा या फिर न्याय यहाँ पर आते आते दम तोड़ देगा? अब मीडिया देखिए चौथा स्तंभ है, पहले मीडिया बताए को न्याय दिलाना चाहती है कि नहीं चाहती है, क्योंकि हम देख रहे हैं सभी मीडिया को हम देख रहे हैं, किसी मीडिया की हिम्मत नहीं हो रही को पूछे कि भाई जब वो ऑडियो रिकॉर्ड में बोल रहे हैं कि बेटा हमको जहर दिया गया है, तो कोई मीडिया नहीं डिबेट बैठा रही कि आखिर जहर क्यों दिया गया, डिबेट में बैठाना चाहिए, लेकिन नहीं, बस मुद्दे से भटकाया जा रहा है लोगों को। आखिर ये सब मान लीजिए आज आप कर रहे हैं कल कोई और करेगा, हालांकि अखिलेश जी ऐसे नेता नहीं है, बदलाव की राजनीति तो नहीं करते हैं, बदले की राजनीति नहीं करते हैं वो, लेकिन ये राहुल गांधी ने कहा था सरकार बदलेगी और गारंटी के साथ बोलता हूँ कि बदला लिया जाएगा और माकूल जवाब दिया जाएगा और छठी का दूध याद करा दिया जाएगा। सबका अपना अपना विवेक है, अपना अपना समय समय की सबका बात अपना अपना विवेक है, हमारे नेता जैसा कोई नेता दुनिया में नहीं है, लेकिन हमको फिर कह रहे हैं हमको मीडिया वालों से सबसे बहुत ही मतलब आप लोगों से नाराजगी है कि आप लोग कभी एक बार भी नहीं पूछे, किसी डिबेट नहीं बैठाएं कि आखिर जहर क्यों दिया गया, जब आदमी न्यायालय में है, न्यायालय में उसका मामला चल रहा है, मेडिकल रिपोर्ट तो सामने आ गया, उसमें रख दिया गया, जांच तो बैठी हुई है, रिपोर्ट तो आपका भी सामने आ जाएगा, ऐसी ऐसी दवाएं हैं, अभी आपको दे दिया जाए तो आपका भी हार्ट अटैक आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा, समझ रहे हैं? ये तो बहकावे वाली बात है। जब मुख्यमंत्री जी कल खुद अपना इंटरव्यू दे रहे थे, कल उन्होंने खुद कहा है कि हमको अलग से रास्ता अपनाना पड़ा, यानी बांदा जेल के प्रशासनिक अधिकारी और सुपरिटेंडेंट साहब पे भरोसा नहीं आपको? अरे भरोसा का वो खुद सस्पेंड हो गए हैं जिस दिन उनको जहर वहर का मामला आया, बताइए सरकार हटा रही है फिर बहाल हो जाएंगे, उनको इनाम कुछ मिल जाएगा? वो कह रहे हैं आप लोग ऐसे इस तरीके से अफवाह मचा दिए हैं और अंदर अंदर कैदी खाना नहीं खा रहे हैं, टमाटर रोटी खा रहे हैं नमक लगा लगा के, अब कुछ भी जो देंगे कैदी तो वही खाएंगे, जहर और दिया जाए, क्या कह रहे हैं? डर तो उनको भी सता रहा होगा, जो कैदी बीच में पड़े हैं उन लोगों को भी डर होगा। तो आप लाल टोपी पहने, आपको नहीं डर लग रहा है? हमको कहां डर लगे भाई, लाल टोपी तो हम आज से थोड़े पहन रहे हैं, 32 साल की उम्र में हमेशा शुरू से पहनते आ रहे हैं, जब से 12 साल के थे तब से पहन रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि जो खोज खोज के सफाया कर रहे हैं योगी जी, अरे तो करें भाई, उनका समय वो कर रहे हैं, फिर इन सभी का समय ये लोग करेंगे, जब वो तो सत्ता परिवर्तन है और टोपी पहनने के लिए सफाया कर रहे हैं, ये कौन सी, ये कितना बढ़िया
काम है कि कोई टोपी पहन ले और सफाया कर जाए वक्त आने पर माफ भाई, भाई बिल्कुल अच्छा हमारी बाबूजी के मरले रहा था तो के हम दाँते ना काटब तो के छोड़ तो बाबूजी के मरले तो दाँते कट भाई अब तो कह रहे हैं कि नहीं वक्त आएगा तो सफाया दिया जाएगा तो जवाब दिया जाएगा तो सही बात है तू दाँते कटबा तू का कटी है फिर वो कहीं हम काट अरे तले तो दूध गोजी पी के सही नोजे के रही मर दे हे तरह रही बनाओ ना के टाइट न होई तब फिर अब फिर आई तब सजग होके न आई हाँ फिर क्या लगता है मुख्तार अंसारी के साथ अन्याय हुआ अरे बिल्कुल अन्याय हुआ है अरे मुख्तार अंसारी मसीहा से चले गए तो फिर अब्बास अंसारी जिंदाबाद है अभी उनका बेटा अभी मसीहा बन के तैयार है माफिया नहीं मसीहा मुख्तार का बदला अब्बास लेके नहीं अब्बास बदला ले न ले मगर मसीहा बन के रहेगा हम लोगों के दिल में मुख्तार अंसारी के जाने के बाद भी अब्बास अंसारी मसीहा बन के रहेगा आप मानते हैं कि जिस फाटक पर तमाम गरीब लोग आते थे उन्हें न्याय दिलाते थे दरवाजे पर तमाम फाटक के लोग रहते थे उसी के साथ अन्याय हो गया आप मानते नहीं नहीं अन्याय तो उसी के साथ हुआ है हाँ लोगों को न्याय दिलाता था जिस हाँ जिस जो न्याय दिला था तो उसके साथ अन्याय हुआ क्योंकि जहर का ब्लेम लगाया गया सही बात है भैया ने बताया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है चार तो हार्ट अटैक हुआ था अरे भाई वो तो रिपोर्ट आप लोग के ऊपर लगाना वो तो आप अभी मतलब मीडिया वाले हैं जबरदस्ती कह दीजिए कि नहीं हार्ट अटैक आ गया जबरदस्ती कैसे कह देंगे आप जो बता रहे हैं वही दिखाएंगे नहीं हम हमारा तो दिखाएंगे मगर हम तो कह रहे हैं कि नहीं रियल है कि जहर दिया गया क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डर में आ रहा है अंसारी परिवार भी बता रहा है जांच रिपोर्ट सबमिट होगा टीम जिन बैठ गई भरोसा है कि अच्छा बताइए ईडी उनका है सीबीआई उनका है प्रशासन उनका है जांच रिपोर्ट उनका है तो फिर मेरा रिजल्ट आएगा का तो कह रहे हैं कि मेरा रिजल्ट कब आएगा जब 20 साल 22 साल बाद ये खोदा जाएगा और इनका जब टेस्ट कराया जाएगा अपने सत्ता परिवर्तन में तब जांच रिपोर्ट में देखा जाएगा कि क्या था अभी तो अभी नहीं नहीं भरोसा है जब जेल में रह के हत्या हो सकती है तो रिपोर्ट पे कौन सा भरोसा रख ले तमाम लोग कह रहे हैं कि पहले योगी जी को अगर मन से बतिया दे तो हो सकता काल पेशवा देबा हम हूं के यो डर बा मगर वो पेशा जी चली जब हमर मसीह न तो हम क्या कर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि योगी जी को रुलाए थे बदला ले रहे हैं योगी जी बैठ के अच्छा तो हम वही बतिया तो बोले आपसे कि हमारी बाबू जी के मर ले रहा तम दाते काटब अब समय का इंतजार है क्या लगता है कब वो समय आएगा अब देखिए दिन तो घोड़ा का बदल जला हमारे का ना बदली हमारों को बदल मानते हैं बिल्कुल बदलेगा सब कुछ बिल्कुल बदलेगा समय देखिए 10 साल बीजेपी सरकार यही मोदी जी ने जब आए थे तो मैंने खुद बीजेपी को मैंने ही वोट दिया है और हमको नशा था कि नहीं मोदी सरकार ही आए मगर ये नहीं पता था कि नहीं 2 करोड़ नौकरी दे के दो इतने रोजगार दे के 15 लाख रुपया आएगा खाते में मैंने उनको खाता अच्छा, भी अच्छा एक सुगुबगाहट काफी तेज है तमाम लोग नाराज हैं कि अखिलेश यादव यहाँ पर नहीं आए तमाम लोग नाराज है गाड़ी कोई नाराज नहीं है कोई नाराज है पूछे इतने लोग अगर कोई नाराज होता मैं छोड़ दूंगा कोई नाराज नहीं है ये आप अगर कहें तो चलिए मगर कोई नाराज नहीं है अखिलेश भैया आए के दिल में बस के चला गया और अभी भी खुशी है वो यहाँ आने की दिक्कत नहीं है प्रशासन अभी नहीं रोक पाती यहाँ भी आते तो अभी पसीना और आके उनके पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं तो डंडा लगा के भागो भोसले भागो मार कर रही है हाँ ऐसे मार रही है प्रशासन अगर हम लोग सजग भी नहीं तो हो सके कि 2-4 डंडा गिर जाता ये स्थितियाँ यहाँ अखिलेश के आने से नाराज कोई नहीं हम लोग के दिल में खुश होकर चले गए सही है और बहुत खुश है पूछिए इतने लोग ये मत कहिए कि नहीं कोई नाराज कोई नाराज नहीं है तो कोई नाराजगी नहीं है नहीं कोई नाराजगी नहीं है नमाजवाद समाजवाद की राजनीति करते हैं ये आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर नहीं कहते हैं कि वो लोग बस एक तरफा जो है वोट बैंक के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं सर हम तो मुसलमान है ना हिंदू है ना मान लीजिए कहते कि नमाज अदा कर रहे नमाज और वो कह रहे हैं अतीक के पास नहीं गए थे मिलने हाँ अतीक के पास नहीं गए थे तो अतीक ये नहीं थे ना अतीक मसीहा नहीं थे अतीक इनको भी नोचते थे ऐसे उनकी साम्राज्य था उनको साम्राज्य बनाने की केवल होड़ थी और ये मसीहा था और अतीक का हम क्या बताएं अच्छा काफी जोर शोर से एक सुगबुगाहट है कि अब अगला नंबर आजम खान का है क्या कहेंगे अब आजम खान करवा रहे थे या फिर ये लोग करवाएंगे ना तो आजम खान की भी नहीं होता अगर आप लोग इसी तरह हाईलाइट करेंगे तो आजम खान का भी नंबर आएगा अब्बास अंसारी का नंबर कल मेरा भी नंबर आ जाएगा आप ही लोग करते हैं नहीं चर्चा हम नहीं करते हैं हम लोग तो सोच रहे हैं कि रिया करें कम से कम जब चुनाव आ रहा है तो जेल डाल रहे हैं केजरीवाल को हेमंत सोरेन को आजम खां को